नमस्कार, जय हिंद, जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं विनय पांडे और आपने देखना शुरू कर दिया है मुनादी चौपाल। रायगढ़ शहर में डेंगू का प्रकोप है, चारों तरफ डेंगू फैला हुआ है। नगर निगम से लेकर जिला प्रशासन तक सभी ने कमर कसी हुई है और लगातार लोगों को अवेयर कर रहे हैं। जमे हुए पानी में दवाओं का छिड़काव हो रहा है और लोगों को भी बताया जा रहा है कि इस तरह से जो आपके घरों में फ्रिज में कूलर में जमा हुआ पानी है या गमलों में, उसको किस तरह से हटाएं या उसमें कैसे दवा डालें या कुछ भी करें। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ नगर निगम आयुक्त रायगढ़ के हैं चंद्रवंशी साहब। वो हमें और डिटेल बताएंगे कि किस तरह के और प्रयास हैं, किस तरह से चीज़ें की जा रही हैं ताकि डेंगू का रोकथाम हो सके। सर, आपका स्वागत है मुनादी में। और धन्यवाद सर, ये सबसे पहली बात ये है कि डेंगू का प्रकोप पिछले कई दिनों से आया है, 3 लोगों की मौत की भी खबर आई है, 3 लोगों की मौत हो गई है। अब किस तरह से स्टेप लिए जाए? सर्वप्रथम मैं ये बताना और क्लियर करना चाहूँगा कि जो 3 मौतें की बात अगर हम कह रहे हैं तो वो मैं बहुत क्लियरली ये बताना चाहूँगा कि उसमें से 2 जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। संयोग से वो इसी समय हुए, परंतु उसका जो कारण था वो बिल्कुल अलग है। पहला जो एक मौत हुआ था वो कार्डियक अरेस्ट के कारण से हुआ था। कार्डियक अरेस्ट मतलब जिसको हम सामान्य भाषा में हार्ट अटैक बोलते हैं, उसके कारण से हुआ था, जिसकी मेडिकल रिपोर्ट भी है जिसको कंफर्म किया जा सकता है। दूसरा जो एक कंपाउंडर की मृत्यु हुई थी इस दौरान, अभी तो उसका भी एकदम क्लियर है कि उन्हें जो है शुगर और हाई बीपी था और साथ में हेपेटाइटिस बी का उनके द्वारा इलाज चल रहा था और उनका इलाज जो है रायपुर में चल रहा था, तो उन कारणों से उनका हुआ था। तो जो कोमॉर्बिड होता है वो था। तीसरी एक जो मृत्यु हुई है वो बेशक डेंगू के कारण से हुई थी, परंतु मैं उसमें ये बताना चाहूँगा कि डेंगू के लिए जब उनको जो है हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए रेफर किया गया था संबंधित, मेरी जानकारी के अनुसार किसी अग्रवाल हॉस्पिटल में उनके द्वारा प्रारंभिक तौर पर इलाज के लिए गए थे और वहाँ पर उनके द्वारा जो है एडमिट नहीं हुआ था, ऐसी कोई जानकारी मिली थी, बट कहीं ना कहीं वो जो है एक था। तो सामान्य तौर पर मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि डेंगू जो है एक लाइलाज बीमारी नहीं है या ऐसी बीमारी नहीं है जो आसानी से क्योर ना हो। बहुत आसान इसका क्योर है। सामान्य तौर पर इसका 2 से 3 दिन के लिए जो बुखार आता है, हैवी टेम्परेचर होता है, जिसमें सामान्य जो दवाइयाँ होती हैं जो हमको मेडिकल टीम ने हमको प्रीफर किया हुआ है कि उसमें सामान्य रूप से पैरासीटामॉल, एजिथ्रोमाइसिन का जो एंटीबायोटिक है, या फिर सिट्रिजिन जो सर्दी खांसी अगर हो जाए, तो इस तरीके के जो सामान्य जो मेडिसिन हैं उनके माध्यम से भी उसका इलाज बहुत आसानी से हो जाता है। और अगर हम 2 या 3 डोज लगातार जो है नियमित रूप से डॉक्टर की सलाह से लेते हैं तो इसके बुखार पर कंट्रोल पाया जाता है और बहुत आसान हो जाता है। इसमें हमको बहुत सारा अच्छा डाइट रखना पड़ता है और अच्छा पानी जो है हमको पीना पड़ता है। नॉर्मली सभी डॉक्टर इसमें प्रीफर करते हैं कि जो है वायरल जो फीवर्स हैं या इस दौरान जो है वाटर इंटेक अच्छा होना चाहिए, जिससे शरीर का जो है जो वो है बैलेंस जो है वो अच्छा रहता है। और सामान्य तौर पर डेंगू का जो वो होता है कि उसमें प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं, तो अगर हम अच्छा डाइट रखते हैं और उसमें वाटर लेवल हमारा मेंटेन रहता है और मेडिसिन अगर हम प्रॉपर लेते हैं डॉक्टर की सलाह से, तो बेशक तौर पर इसमें जो है 3 से 4 दिन में हमारा जो है जो फीवर है या फिर ये जो डेंगू है वो ओवरकम हर व्यक्ति कर जाता है। सर, ये जो डेंगू है वो मच्छरों से होता है, मच्छर गंदगी से आती है, गंदगी हटाने की जिम्मेदारी नगर निगम की होती है। किस तरह से काम किया जा रहा है गंदगी को लेकर के, या क्या है, लोगों में कुछ भ्रम भी है जैसे कि आप बता रहे थे कि कुछ भ्रम है जिसके कारण आपका जो हेल्पलाइन है, हेल्पलाइन में तरह तरह की चीज़ें आ रही हैं, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं। जी हाँ, इसमें मैं सबसे पहले तो ये कि जो डेंगू के जो मच्छर हैं वो सामान्य तौर पर जो है साफ और स्थिर पानी पे ही ब्रीडिंग करते हैं और सामान्य तौर पर ये साफ सुथरे जगहों पर ही रहते हैं और सामान्यतः ये जो है दिन में काटते हैं और स्पेशली अगर देखा जाए तो मॉर्निंग आवर्स में ये ज़्यादा जो है एक्टिव होते हैं। और सामान्य रूप से इनकी जो फ्लिटिंग हाइट होती है वो 3 से 4 फीट होती है। सामान्य तौर पर अगर हम देखें तो एक नॉर्मल हाइट वाले कमर के नीचे वाले हिस्से में ही जो है इनके द्वारा मॉस्किटो बाइटिंग होती है। तो इसके लिए जो है हम लोगों से अपील करते हैं कि वो पूरे जो कपड़े हैं, पतलून हैं, वो पूरे पैरों को ढकने वाले पहने, या फिर अगर बाहर खेलने निकलते हैं या घरों पे रहते हैं हाफ पैंट पहनते हैं तो उसमें ओडोमास या जो बहुत सारे लोशंस आते हैं जिससे मच्छरों से बचाव होता है तो वो लगाएं। घरों में अपने मच्छरदानी का प्रयोग करें, साथ में मॉस्किटो जो कॉइल्स हैं या अगरबत्ती हैं
वो उपयोग करें। एक और जो इसमें हम आप लोगों को मैं अवगत कराना चाहूँगा कि सामान्य तौर पर जैसे मैंने कहा कि डेंगू के जो मच्छर हैं वो साफ पानी, स्थिर पानी पे ही होते हैं, और एक मिसकंसेप्शन इसमें चला आ रहा है कि जहाँ पर कचरे का ढेर है या जो वो है वहाँ पर ये मच्छर ज़्यादा होते हैं। तो मैं ये बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा कि ये मच्छर हमेशा साफ पानी और साफ सुथरी जगहों पर ही ज़्यादा पैदा होते हैं। इसलिए जो हमारी स्पेशली जो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की टीम जो हमारी लगी हुई है जिला प्रशासन में कलेक्टर महोदय के निर्देश पर जो काम कर रही है, वो हर घर पर जा करके उनके घरों के जो छोटे छोटे बर्तन जैसे कोटने हैं या छोटे से पुराने जो बर्तन हैं जिसपे हम कबाड़ में रख देते हैं, या फिर पुराने कूलर के जो पार्ट्स हैं उसको ऊपर रख देते हैं, या फिर टायर है जो हम अपने घरों में रख देते हैं, या फिर पुराना टीवी है, फ्रिज है, या फिर जो पुराने जो यूज्ड जो बर्तन है प्लास्टिक के जो बाल्टी हैं, या फिर जो हमारा पेंट के जो डब्बे आते हैं वो हम नॉर्मली उपयोग होगा या भविष्य में कभी काम आएगा या बेचने के उद्देश्य से हम अपने छत में या किनारे बाड़ी पे कहीं रख देते हैं, वहाँ पर पानी भर जाता है और अक्सर हमको जो ब्रीडिंग दिख रही है वो वहीं पर दिख रही है। तो मैं सभी से यही अपील करूंगा कि जो अपने ये छोटे छोटे बर्तन हैं, इवन अगर एक चम्मच पानी भी कहीं पर स्थिर है और साफ है तो वहाँ पर भी ये मच्छर ब्रीडिंग कर सकते हैं। पूरे शहर में अभियान चलाया जा रहा है, सभी जगह जाकर के देखे जा रहे हैं, किस तरह की क्या कुछ कार्रवाइयाँ भी हुई हैं या कहीं कुछ इस तरह का पाया गया है लापरवाही, जैसे कोई संस्थान है या कोई बड़ा कॉलोनी है, जी प्राइवेट निजी कॉलोनी है वो, या कोई जैसा भी कॉलोनी हो जहाँ जी रहवास क्षेत्र है, क्या जी उस तरह का कोई कार्रवाई की गई है, किसी के ऊपर पेनल्टी या और कुछ? जी हाँ, अभी लगातार जो हमारी टीम है जहाँ पर भी हम लोग जा रहे हैं, तो एक तो जो है सामान्य तौर पर जो है जैसा मैंने बताया कि कचरे के कारण से जो है एक मिसकंसेप्शन है, लेकिन डेंगू जो है स्पेशली साफ पानी और उसके कारण से ही आगे ब्रीडिंग करते हैं और सामान्य दिन में काटते हैं इसलिए डेंगू बढ़ता है। लेकिन ये भी है कि कचरे के कारण से अगर डेंगू नहीं होगा तो कोई और भी बीमारी हो सकती है, इसलिए उसकी साफ सफाई करना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसके लिए लगातार निगम प्रयासरत है और इसीलिए जो है निगम के द्वारा एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है जिसमें हम लगातार लोगों से शिकायत जो है उसमें आ रही है उसका निराकरण कर रहे हैं, जिसमें लगभग 55 शिकायतें आई हैं और उसमें अभी तक के जो है उसके मोर देन 45 जो शिकायतों का निराकरण किया गया। और लगातार आज संडे के दिन के होने के बावजूद भी जो है सभी जो हमारे कर्मचारी जो लगे हुए हैं उन शिकायतों के निराकरण करने के लिए और फील्ड में भी लगे हुए हैं। जहाँ तक कार्रवाई की हम बात करें तो अभी जैसे हम लोग देख रहे थे कि जब फील्ड में हम जा रहे हैं और लोगों को बार बार समझाइश देने के बाद भी रोड पे या कहीं पर नाली पे कचरे फेंकने की जो शिकायतें आ रही हैं, तो उस पर हम लोगों ने लगभग जो है 33, अभी विगत एक सप्ताह में 33 जो है लोगों पर कार्रवाई किया है। और साथ में ऐसे भी जगह हैं कुछ जैसे आज और कल में 2-3 दिनों से जो है लगातार हम जो है बड़े बड़े जैसे कबाड़ी है या फिर कंस्ट्रक्शन साइट है इनका जब हम मुआयना कर रहे हैं तो पाया गया कि वहाँ पर काफ़ी संख्या में जो है कबाड़ के जो सामग्री है उसमें पानी जो है ठहरे हुए थे, तो उन पर अभी 10,000 का जुर्माना की कार्रवाई किया गया। अभी एक और आज मॉर्निंग में ही एक और कार्रवाई की गई है जिसमें एक अपार्टमेंट है जिसके बेसमेंट में पूरा पानी भरा हुआ है विगत कई दिनों से, जिसको पूर्व में समझाइश भी दी गई थी, तो वहाँ पर जो है उनके द्वारा इस तरीके की लापरवाही जैसा कि हम बार बार बता भी रहे हैं कि स्थिर पानी और रुके हुए पानी में ही और साफ पानी जो अपेक्षाकृत साफ पानी में ही डेंगू के मच्छर जो है ज़्यादा ब्रीडिंग करते हैं और वहीं से ज़्यादा बढ़ते हैं, उसके बावजूद भी ऐसी लापरवाही पाई गई है, उन पर 25,000 का जुर्माना की कार्रवाई भी की गई है। मेन सर ये कहा जा रहा है कि जब तक जो स्थानीय पार्षद हैं वो एक्टिव नहीं होते, तब तक इस तरह की चीज़ें, आपका अवेयरनेस का प्रोग्राम हो, चाहे ये मच्छरों को रोकने का प्रोग्राम, गंदगी हटाने का प्लान हो आपका, ये तब तक सक्सेस नहीं है जब तक स्थानीय पार्षद के साथ आपका कोऑर्डिनेशन ना हो। कितना कोऑर्डिनेशन है? जी हाँ, इसमें जैसे हम लोगों ने लगातार अभी जो है स्थानीय पार्षदों के साथ मिल करके जो है रैली और इसमें जो है मुनादी और डोर टू डोर भी किया है। अभी हाल में जो है जो नगर पाल निगम के जो मेयर हैं उनके साथ स्वयं मैं और साथ में अभी बीच में विधायक महोदय भी जो है डोर टू डोर संपर्क करके विभिन्न क्षेत्रों में हम लोग जा रहे हैं, साथ में इसमें MIC के सदस्य के साथ साथ पार्षदों का भी सहयोग मिल रहा है। बट अभी मैं ये चाहूँगा कि जो जितने भी पार्षद हमारे साथी हैं वो भी पूरी तरह से इसमें और जो हैं अपने अपने एरिया में जो हैं पूरी एक्टिव हों, लोगों को जागरूक करें, क्योंकि वो उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के रूप में
स्थापित हैं और उनको बहुत अच्छे से ये चीज़ें मालूम होती है कि उनके किस किस एरिया में क्या क्या समस्याएं होती है, कहाँ पर गंदा होता है, कहाँ पानी रुकता है, कहाँ कहाँ पर प्रोन एरिया है जहाँ पर हमको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए जो है सभी वार्डों में जो है हमारे लेबर जाते हैं जो उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, साथ में हमारी जो दवा छिड़काव की टीम भी है वो भी अनिवार्य रूप से पार्षदों के माध्यम से ही जो है वो छिड़काव कर रही है और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। आने वाले कुछ दिनों में लगभग लगभग जो है हम इस अवेयरनेस को जो है और बेहतर कर पाएंगे, बट इसमें जो अवेयरनेस है वो पब्लिक अवेयरनेस है, हर व्यक्ति को अपनी खुद की अवेयरनेस और अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी, क्योंकि अल्टीमेटली ये है कि ये जो है बीमारी जो हम डेंगू जिसकी हम बात कर रहे हैं वो मच्छरों के काटने से होती है, और मच्छरों से काटने से अपने आप को बचाने के लिए हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी। यही हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अपने आप को कैसे बचाएं कि वो मच्छर हमको ना काटे, ये जरूरी है। इसके लिए अगर मतलब हम में से कोई भी दूसरे को नहीं बचा सकते कि उसे वो मच्छर ना काटे, तो इसलिए मैं ये चाहूँगा कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को ये को बचाए कि वो उसको मच्छर ना काटे। वो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं वो उपाय उसको व्यक्तिगत तौर पे करनी पड़ेगी, क्योंकि हेल्थ एक ऐसा विषय है जिसमें व्यक्तिगत रूप से जब तक आप अवेयर नहीं होते हैं और उसके लिए जागरूक नहीं होते हैं तब तक कि आपके हेल्थ को कोई दूसरा इम्प्रूव नहीं कर सकता। थैंक यू सर, आपने बात किया। तो आपने देखा कि नगर निगम आयुक्त महोदय ने बहुत अच्छे से सभी चीज़ों को डिस्क्राइब किया कि आपको किस तरह से अवेयर रहना है। तो इस बीमारी में जागरूकता ही बचाव है, आप जागरूक रहें, आसपास सफाई का ध्यान रखें, पानी कहीं जमने ना दें। तो आप देखते रहिए मुनादी चौपाल और पढ़ते रहिए मुनादी.com, वॉइस ऑफ वॉइसलेस। थैंक यू।